दूर से नमस्ते एपिसोड 29 दूसरी पारी भाग 1। गीत भावे आदर्श मोहल्ला के किसी विश्व के साथ मुंबई गए हैं। वैसे हम बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं जितेंद्र जी, और पापा को तो ऐसा ही दामाद चाहिए था जी। गीत, तू कंफ्यूज तो नहीं है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू किसी दोराहे पे खड़ी है? गीत और विशु ने बीते कल में चुटकी भर ही सही, पर संग जिंदगी जी। गीत की शादी तय हो चुकी है। गीत को याद हो ना हो, आपको तो याद है ना? अरे रे रे गीत जी, आप तो राजधानी एक्सप्रेस से भी ज्यादा तेज बातें कर रही हैं, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। हम आपके लिए पानी लेकर आए। नहीं, वो आपको देखकर हम बहुत खुश हो गए थे। अच्छा सुनिए, अब क्लाइंट की टीम के साथ हमारी मीटिंग है, तो हम चलते हैं, आपसे आगरा में ही मिलते हैं। चले विश। मोहब्बत करते हैं तुमसे, बस यही परेशानी है, पर कहीं भारी ना पड़ जाए हमारी मोहब्बत ये तुम्हें। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? समाज में रहना है, लोगों को मुंह दिखाना है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? अरे लोगों के छोड़िए, सबको खुश रहने का हक है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, हर चीज की एक उम्र होती। आप कब से ऐसी बातें करने लगे चिंटू जी? सर आप प्रभा और गूगल जी की खुशी के बारे में भी तो सोचिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आप अगर किसी साथ के लिए दूसरी शादी कर लें। मंजू जी, आज तो आपने ऐसी बात कर ली, लेकिन आगे से कभी मत ऐसा बोलना प्लीज। प्रभा और गूगल चाचा की शादी से चिंतामणि भाई साहब बड़े भड़के हुए। वैसे तो बड़े आधुनिक विचारों के आदमी है चिंतामणि, पता नहीं क्यों ऐसा बरताव। क्या बात है, आज आप उनकी बड़ी तरफदारी कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे आज मंजू होती ना तो चिंतामणि भाई साहब और प्रभा दोनों को संभाल लेती। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कितनी गहरी दोस्ती थी ना हम दोनों में। हाँ। अरे ये विराट कोहली कुमार आज बड़ा खुश है, क्यों? अंजलि आई हुई है ना। हाँ। ये वाला कलर यहाँ करो विराज, हाँ अच्छा लगेगा। अंजलि, आपने और मरियम ने कितने प्यार से इसके मन की दिशा ही बदल डाली, अब तो पहले से इसका गुस्सा भी कम हो गया है ना। गुड्डू, बच्चों को ना बस अपनों के समय की जरूरत होती है। वो विशु कुछ कहता है ना, हाँ मन के ताले की बन जाए चाबी, सुने उनकी बातें बने उनके साथी। सही कहा, अब तो बिल्कुल आपके बनाए हुए रूटीन पे चलते हैं। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे पढ़ना, और फ्री टाइम में पेंटिंग करना। पेंटिंग में तो इसका मन पूरी तरह से रम गया है। अच्छा है ना, अब अनुशासन चीजें बदल ही देती है।
सही कहा। देश की उभरती हुई फैशन डिजाइनर ने आपकी मेहंदी और आपकी शादी के लिए इतने सारे कपड़े डिजाइन किए। बुआ, पापा नहीं मान रहे हैं तो क्या हुआ? आप तो अपना मुंह ठीक कीजिए ना, हम हमेशा आपके साथ हैं, चाहे जो भी हो जाए। चलिए अपना मुंह ठीक कीजिए आप। और आपको हम एक बात बताएं, नायरा क्या कह रही थी? नायरा कह रही थी कि आपकी शादी की सारी रस्में ना वो खुद करेगी। पगली है ना वो। और आपको पता है, आज ना गूगल चाचा विशु के साथ बूस्टर डोज देने गए थे। कह रहे थे कि आज का दिन ही बहुत ज्यादा अच्छा है, अब से अपनी प्रभा के लिए ना हमें और भी सावधानी रखनी है। और वैसे भी वैक्सीन सुरक्षा के साथ साथ उसकी ताकत को और बढ़ाने के लिए ना हमें नियमित रूप से बूस्टर डोज लेना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, बताया था उन्होंने। बिल्कुल। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं आपसे मिलने आई हूँ। आप मुझसे मिलना चाहती हैं, वो बनवारी जी कहाँ है? देखिए भाई साहब, मैं और मंजू हम दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। आज अगर मंजू होती तो मैं शायद आपके घर आ जाती, लेकिन मुझे यहीं आना ठीक लगा। मैं देखिए, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। नहीं नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे मेरे दिल की बात कहने आई हूँ। मैं समझा नहीं कुछ, क्या कहना चाहती हैं आप? अगर प्रभा और गूगल चाचा वो लोग शादी करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है ना? अगर मंजू आज होती तो वो भी शायद यही कहती। आप बड़े हैं, आप दिल से आशीर्वाद दीजिए ना, आपका फर्ज है। ये कहने के लिए आप यहाँ आई थी? विश्व के पापा चाहे कुछ भी कहे मुझसे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपसे आकर ये सारी बातें बता दूं, नहीं तो मरने के बाद मैं अपनी सहेली मंजू को क्या मुंह दिखाऊंगी। तुमने मेरा दिल जीत लिया रानी, तुम मेरी सच्ची सहेली हो। शादी जेके भैया और गीत भाभी की होने वाली। सत्य वचन, लेकिन होने वाली है गीत भाभी की बुआ की। सत्य वचन, लोग जेके भैया पर हंस रहे हैं, लोग बोल रहे हैं जेके भैया को भाई गिली छोल कर के बबलू शर्मा के कॉमेडी शो में चले जाना चाहिए। सत्य वचन, घनघोर बेइज्जती। सत्य वचन, क्या दिन थे हमारे अड्डे पर आने से पुलिस वाले कांपते थे, वकील जज हमारे केस पर बात करने से डलते थे। सत्य वचन। यार सत्य वचन लगा रखा है। चल। लेकिन भैया ये तो सत्य वचन ही है ना कि दूध वाला भी दूध में पानी मिलाने से पहले सोचता था, डरता था। अरे जेगे भैया शलीफ बनने की कोशिश क्या की, मार्केट डाउन हो गया, जमाना बर्बाद हो गया। लेकिन इतना कुछ हो गया भैया तो चुप का है। भैया को सदमा लगा है। सदमा तो लगा है क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी शादी अब होगी या नहीं। भैया हम कसम खा के कह रहे हैं हम अपनी शादी पूरा जीवन नहीं करेंगे। मतलब भैया की शादी होगी नहीं और तुमने कसम खा ली कि तुम शादी करोगे नहीं है? इसका मतलब हमारे वंश का कहा होगा? अरे हम तो कुवारे मर जाएंगे। कोई कुवारा नहीं मरेगा, सबकी शादी होगी और अब बैठने से काम नहीं चलेगा। जिसके लिए हमने इतना त्याग किया है उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अपनी मेहनत और अपनी तपस्या का फल खाकर ही रहेंगे।
अरे बहुत हुआ ये मानगिरी, अब जे की गिरी दिखाने का वक्त आ गया। हम शादी करके रहेंगे, ये तय हुआ। नमस्ते आंटी जी, आइए आइए, आप लोग बैठिए, हम बस शुरू होने वाले। वो सारे के सारे वहीं पर रख देना, मैं बाहर देख कर आती हूँ। अरे भैया फूल नहीं लगाए अभी तक आपने यार। ओ जितेन जी। नमस्ते गीत जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? आपकी मुंबई यात्रा कैसी रही? हम बिल्कुल अच्छे हैं। आप कैसे हैं? आपने तो फोन ही नहीं किया। आप देख रहे हैं ना, मुंबई से आने के बाद ना मैं फुआ की शादी में कितना उलझ गई। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई। कितनी अजीब सी बात है, बात हमारी शादी की हो रही थी और शादी हो रही है प्रभा जी। तो कितनी खुशी की बात है ना, आप खुश नहीं है? जी नहीं, वो बात नहीं है, पर हमारे सभी जानने वाले इस बात को लेकर काफी मजाक उड़ा रहे हैं। समझी, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। इधर देखिए, शादी की ना कोई उम्र नहीं होती है, सबको एक पार्टनर चाहिए होता है। और देखिए ना कितना खुश है ये दोनों। आप समझिए, ये शादी ना एक मिसाल बनेगी। आपने आंखें खोल दी हमारी, आप सही कह रहे हैं। अब बुआ की शादी पहले होगी और हमारी बाद में, जो आप कहेंगी अब वो होगा। आप हमारा एक काम करेंगी? एक मिनट ना। हाँ। अब यूं समझिए कि जो भी काम है वो हो गया, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कोई काम बताएं और हम ना कर पाएं। देखिए ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, हमें ये बात करनी थी कि पापा आपको बहुत मानते हैं। अगर आप पापा को समझाएंगे तो बुआ और गूगल चाचा की शादी के लिए तो वो शायद मान जाएंगे। हम तो समझा समझा के ना थक गए हैं बस उन्हें। बस इतनी सी बात? ठीक है, हम अभी उनसे बात कर लेते हैं। जी। पर श्रीमान जी हैं कहाँ? वो बैकयार्ड में हैं। हम आते हैं। रानी जी। अरे आप आ गए। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे रानी जी रुकिए रुकिए रुकिए, क्या हुआ? ऑर्डर तो पूरा हो गया ना? ऑर्डर तो पूरा हो गया रानी जी, और काफी सारी अधूरी चीजें पूरी होती दिखाई दे रही है। मैं समझी नहीं। रानी जी आपने प्रभा के लिए मेरी दुश्मनी को भूल कर जाके चिंतामणि से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप गुस्सा तो नहीं है ना? रानी जी मैं पत्थर दिल इंसान नहीं हूं, प्रभा भी तो मेरे बहन जैसी है। कितनी बार उसने मेरी कलाइयों पर राखी बांधी। प्रभा की खुशी के लिए चिंतामणि भाई साहब को मनाना तो मेरा फर्ज है, कैसे नहीं जाती? दुश्मनी के फर्ज से बड़ा होता है इंसानियत का फर्ज रानी जी, और आपने इंसानियत का फर्ज निभाया। आपके इंग्लिश में कहूं तो I am proud of you. Hey, proud नहीं, proud of you. अरे वाह रानी जी वाह, I am proud of you. मंजू जी ठीक ही कह रही है, शायद प्रभा और गूगल की शादी में हर्ज क्या है। रानी जी भी यही समझा रही थी मुझे, गीत भी तो यही चाहती है ना। नाना सब समझा तो रहे हैं, पर सही और गलत तो खुद को सोचना है।
क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें पीली और पिंक रंग की गोलियां हैं, अगर पिंक गोलियां ज्यादा हुई तो मैं जाऊंगा और अगर पीली ज्यादा हुई तो नहीं जाऊंगा। एक, दो, दो, चार, येलो, तीन, मतलब मैं जाऊंगा। श्रीमान जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए भगवान भी कितने खुश हैं, प्रेम नारायण जी और प्रभा जी की शादी से बिन मौसम बरसात करवा दिए। आप जा रहे हैं ना शादी में? हाँ जी, मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है और आपको जाना भी चाहिए। आप देखिएगा, लोग इस शादी की मिसाल दिया करेंगे। पर एक बात कहें श्रीमान जी, आप इस शादी के बारे में अभी माताश्री को, हमारी माताश्री को मत बताइए। क्यों जी? वो तो खुशी होंगी, पर अगर गलती से उन्होंने इस बारे में किसी से कुछ कह दिया तो आप भी समझते हैं दुनिया कैसी है, जितने मुंह उतनी बातें। ये जो है इसका मतलब मैं जो सोच रहा था बिल्कुल सही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? भाई यही हमारा समाज, हमारे लोग क्या कहेंगे। हम तो वैसे इन चीजों में विश्वास नहीं रखते जी, पर अब किसी के मुंह पे ताला भी नहीं लगाया जाता। एक बार हमारी और गीत जी की शादी हो जाए, उसके बाद प्रभा जी की शादी के बारे में लोग जान भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप अपने परिवार का भला बुरा अच्छे से समझते हैं, हम तो बस शुभचिंतक हैं, अपनी राय रख सकते जी। हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। जी जी जी। बात तो सही कर रहे हैं जितेंद्र जी, समाज वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और फिर जितेंद्र जी की और गीत की शादी भी करनी है, कहीं अड़चने ना आ जाएं। तो डॉक्टर चिंतामणि जी, ये डिसाइड हो गया कि तुम शादी पे नहीं जाओगे। फाइनल। वो जो तुम्हें सरकार से सम्मान राशि मिलने वाली थी वो मिली कि नहीं? मिली थी ना चाचा, वो मुझे एक जरूरतमंद बच्ची मिली थी जिसे पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने वहाँ उसको दे दी। मेरे पास रहती तो वैसे भी खर्चा हो जाता। बेटा तुम्हारे जैसा अगर एक हीरो हर मोहल्ले में हो जाए ना तो इस देश की सारी समस्याएं देखते देखते खत्म। चाचा कहाँ, अभी आज ये बातें लेकर बैठे। हमारी बुआ और आपकी दुल्हन आ गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मेरे साथ में लाइव न्यूज। और हाँ दोस्तों, आज की शुभ घड़ी में हमारे मोहल्ले की शान गीत चतुर्वेदी आपसे कुछ कहना चाहती है, चलिए सुनते हैं। तो कैसे हैं मेरे आदर्श मोहल्ले के प्यारे सदस्य, आप सब जानते हैं कि आज गूगल चाचा और प्रभा बुआ की मेहंदी की रस्म है और कोविड का टाइम चल रहा है,
ये लोग चाहते थे कि रस्म को ना बहुत ही कम लोगों में करा जाए, जो कि हम कर भी रहे हैं। पहले से ही माफी मांगते हैं कि हमने कम लोगों को बुलाया, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। और अमन के DSN न्यूज के माध्यम से आप ये वीडियो लाइव तो देख ही रहे हैं, है कि नहीं? और हाँ, सुनने वाले सुन भी रहे हैं। कल इन लोगों की शादी है, वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस में। पर क्या करें, हम सिर्फ घर के लोगों को ही बुला सकते हैं। तो मैं बस आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोगों की हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, हमारी प्यारी गूगल चाचा और मेरी प्यारी बुआ के लिए। गीत और विशु ने मिलकर गूगल और प्रभा की मेहंदी तो यादगार बना ही दी। चिंतामणि जी जरूर अभी किसी उलझन में है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या भाई बहन के बीच इस शादी को लेकर सुलह हो सकेगी। पर ये क्या, ये कौन है जिसे अपनी तरफ आता देख सब चौंक गए हैं? सब जानेंगे, अभी कई तस्वीरें साफ होनी बाकी हैं। आप सभी श्रीमान श्रीमती जी को मेरा प्रणाम। पहले आपको प्रभा मास को 7 वचन देने होंगे, उसके बाद ही आप रजिस्टर पर साइन कर सकते हैं। सुख में, दुख में, घर में, बाहर में, धूप में, छाव में, शहर में, गांव में, हर जगह आप प्रभा मासी को हमेशा अपने साथ रखेंगे। हमेशा। हेलो चिंतामणि, जरा मेरे घर पे आओगे? एक जरूरी बात करनी थी। बनवारी, जरा मेरे घर पे आना। प्रेम नारायण, जरा घर आना। आज के एपिसोड पर अपने अनुभव या फीडबैक शेयर करने के लिए नीचे दिए गए इस नंबर पर मिस कॉल दें 0804-610-7666।